फिल्म पॉलिसी जो है यहाँ लाने के लिए आपके कितने खुश हो और क्या कहना चाहोगे? जी राजेश साहब, आपका खैर मकदमे में ये बताइए, जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फिल्म पॉलिसी यहाँ पे लाए गए, कितना खुश हुआ? कल जो एस के आई सी में मतलब जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई तो हम बहुत खुश है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट हूँ और लाइन प्रोड्यूसर हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर में, और कास्टिंग भी कर रहा हूँ बॉलीवुड फिल्म्स की और वेब सीरीज एल्बम्स। हम बहुत खुश है, खासकर आमिर खान से हम बहुत मुतासिर है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हीं की वजह से ये कश्मीर जम्मू कश्मीर में ये फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई, क्योंकि इससे क्या है कि यहाँ के जो लोकल टैलेंट्स उनको मौका मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कश्मीर में भी अपनी कश्मीर की अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री भी इसके तौर पर मतलब देखा जाना चाहिए रईस, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अब वापस मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं और कश्मीर में आगे उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत खुश है इस पॉलिसी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इनका साफ कहना था, ये नारायण जो कि आर्टिस्ट है, इन्होंने काफी फिल्मों में जो है कास्टिंग भी किया और एक्टिंग भी किया, और आपको मैं बता दूं सांची, जिस तरीके से कल यहाँ पे ऐसा होना, और आपको उसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊं, कश्मीर में जो आखिरी फिल्म वो हैदर यहाँ पे शूट हुई थी, उसके बाद कोई फिल्म शूट नहीं। अब जो आमिर खान जहाँ पे लद्दाख में शूटिंग कर रहे हैं, और कल इन्होंने जो फिल्म पॉलिसी जो है यहाँ पे लाई गई है, और उसके साथ साथ अब उम्मीद सभी का, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री से कोई हो, होटेलियर से है,